मॉडल इसका 2022 का है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ठीक है, नंबर UP 32 लखनऊ 550। हाँ 5000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है और पूरी ओरिजिनल है, अभी पूरी एक्चुअल कंडीशन है, कोई पेंट पॉलिश कहीं से कुछ भी नहीं किया गया, जो भी डेंट वगैरह देख रहे हैं, स्क्रैच देख रहे हैं, सारा कुछ ओरिजिनल होगा। और इंटीरियर में आप लोग देख सकते हैं, पन्नी भी अभी भी है और इंटीरियर की सफाई से भी आप लोग देख सकते हैं, कोई भी चीज़ स्क्रेचेस इंटीरियर से नहीं है। इससे अंदाजा लगा लेंगे गाड़ी ओनली ऑन 5000 किलोमीटर चली हुई है। बाकी बैक साइड से भी सीट की कंडीशन, कंपनीमेटेड CNG आप लोग को मिल जाती है। 2022 मॉडल की गाड़ी है ये, ओनर फर्स्ट है, ठीक है, रुपये 75 है, जेटा वेरियंट हो जाएगा, ठीक है सर। स्मार्ट हाइब्रिड इंजन है ये, पेट्रोल में, पेट्रोल तो माइलेज भी बहुत अच्छा देता है स्मार्ट हाइब्रिड। गाड़ी जो चली हुई है लमसम 55000 किलोमीटर चली हुई है, ऑन रिकॉर्डेड होगी पूरे सर्विस रिकॉर्ड के साथ में। मॉडल 2017 का है इसका, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, नंबर UP 32 लखनऊ, ठीक है, DDI वेरियंट है, डीजल में, सेवन सीटर फर्स्ट ओनर गाड़ी। मॉडल की अगर बात करें इसकी, 2020 मॉडल की गाड़ी है ये, फर्स्ट ओनर है, नंबर UP 32 जैसे आप देख रहे हैं लखनऊ 50-50, ठीक है, भी अच्छा होगा। सर वेरिएंट कौन सा है ये? BS6 में है, B6 ऑप्शनल वेरिएंट है इसका, ठीक है, B6 ऑप्शनल है ये। नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग को वर्टस मिल जाती है वॉक्सवैगन की, जो कि सर जी अभी न्यूली लॉन्च भी हुई थी, बिल्कुल अभी लॉन्च हुई है। मॉडल जैसे मैंने बताया आपको 2022 मॉडल की गाड़ी है ये, फर्स्ट ओनर है, नंबर आपका लखनऊ का होगा, ठीक है सर। पेट्रोल वेरियंट है, 1.0 टर्बो इंजन होगा इसका, ठीक है, चलिए गाड़ी हो जाएगी, चलिए लमसम 5000 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है सर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आप लोग देख रहे हैं इट्स माय व्लॉग, आपका इट्स माय व्लॉग में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइज मैं आप लोग को दोबारा से प्रियोन कार मार्केट लेके आ गया हूँ और आज ऐसी मार्केट लेके आ गया हूँ जहाँ पे आप लोग को सभी तरीके की गाड़ियाँ मिल जाती है। अगर आप लोग का लो बजट है तो यहाँ पे लो बजट में भी आप लोग को गाड़ियाँ मिल जाएगी, अगर मीडियम बजट है तो वो भी गाड़ियाँ यहाँ पे मिल जाती है, हाई बजट है तो यहाँ पे हाई बजट की भी गाड़ियाँ मिल जाएगी, जैसे कि प्रीमियम सेगमेंट की। अगर यहाँ के कलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे 500 प्लस गाड़ियाँ यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग कोई भी गाड़ी चूज़ करिए आप लोग को यहाँ पे सभी तरह की गाड़ियाँ मिल जाएगी। जैसे कि आप लोग अगर अल्टो चाहते हैं, अल्टो से लेकर प्रीमियम सेगमेंट में ऑडी BMW तक की गाड़ियाँ मिल जाएगी, और बीच में अर्टिगा तो आप लोग को मिल जाएगी, सियाज मिल जाएगी, सुजुकी, हुंडई, होंडा, सभी तरह की गाड़ियाँ मिल जाएगी। अगर आज के लोग के कलेक्शन की बात करते हैं तो आज के लोग में मैंने आप लोग को सियाज दिखाया, अर्टिगा दिखाया, यहाँ तक कि टियागो CNG वाली दिखाया, और जो कि न्यूली लॉन्च हुई है वर्टस वॉक्सवैगन की तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, मैंने आपको आज के लोग में भी दिखाया है। और इसके अलावा आप लोग अगर क्रेटा की बात करते हैं, क्रेटा दिखाया, XUV की बात करते हैं तो XUV भी दिखाया है। तो हम लोग जिस जगह आए हुए हैं वहाँ पे शोरूम का नाम है बेस्ट डील फोर व्हील, जो कि ICICI बैंक के पास में पड़ जाता है, IT चौराहे के पास में, जो कि रामकृष्ण मठ के पास में है निराला नगर में। अगर आप लोग को यहाँ आना होगा तो डिस्प्ले पर नंबर चल रहा होगा, आप लोग कॉल करके पूछ लीजिएगा, बाकी आप लोग डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है, फाइनेंस के बारे में भी पूछ सकते हैं, किसी गाड़ी की डिटेल चाहिए तो भी आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, बाकी सभी गाड़ियाँ फाइनेंस भी हो जाती हैं और बाकी सारे प्राइस नेगोशिएबल होंगे। पेपर से रिलेटेड आप लोग को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रांसफ़र आप लोग के लिए जल्दी से जल्दी हो जाएगा। फाइनेंस की बात करते हैं, अगर पेपर बहुत अच्छे हैं तो आप लोग का 3 से 4 घंटे में भी फाइनेंस हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर आ चुके हैं, नमस्ते सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर आपका नाम? मेरा नाम सुबोध तिवारी है, सब लोग जानते भी हैं। हाँ लगभग जानते हैं, बाकी मैं बताता सब में हूँ, मेरा नाम सुबोध तिवारी है, ठीक है सर। और शोरूम का नाम? बेस्ट डील फोर व्हील्स के नाम से शोरूम है, निराला नगर लखनऊ, ठीक है सर। यहाँ का सर पूरा एड्रेस क्या जाएगा? पूरा एड्रेस है यहाँ का, A30 निराला नगर, अपोजिट ICICI बैंक, नियर रामकृष्ण मठ लखनऊ, पास में ही IT चौराहा है, ठीक है सर। और IT मेट्रो स्टेशन भी है, तो सारे साधन है यहाँ पे आने के लिए, ऑटो, टेम्पो, रिक्शा, बस, मेट्रो। और IT चौराहे से हमारा वॉकिंग डिस्टेंस है 400 मीटर की दूरी है, 300 मीटर की तो टहलते हुए आ सकते हैं,
ठीक है सर, मतलब आईटी चौराहे से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका शोरूम मिल जाता है। ठीक है सर, अगर कलेक्शन की बात करते हो, आपका कलेक्शन कौन कौन सा अवेलेबल है? कौन कौन सा है ये तो गाड़ियाँ मैं नहीं गिनवा पाऊंगा, गाड़ियाँ लगभग इस समय 500 के आसपास हैं। ठीक है सर, और इसमें कि हमारे दो शोरूम और हैं, फैजाबाद में है, एक रायबरेली में है। हाँ हाँ, तो अगर वहाँ के आसपास हैं तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है सर, बाकी रायबरेली और आपने बोला फैजाबाद, वहाँ के तो वहीं पे ले ले, वरना और कहीं के भी तो यहाँ भी आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग आके विजिट कर सकते हैं, चाहे जहाँ के भी हो। अगर सर फाइनेंस की बात करते तो यहाँ पे गाड़ियाँ फाइनेंस हो जाती है? बिल्कुल फाइनेंस होता है। ठीक है, फाइनेंस भी यहाँ पे हो जाता है, फाइनेंस की डिटेल वीडियो के एंड में दे देंगे। पास में ऑल ओवर यूपी है, यहाँ पे हम फाइनेंस करते हैं। ठीक है, और 8-8.5% का ब्याज लगता है, 2-3 दिन का समय लगता है। ठीक है, बाकी सर अगर गाड़ी की स्टार्टिंग की बात कर ले तो आपका स्टार्टिंग कितने से हो जाती है? लगभग मेरे पास में 1.5 लाख रुपए से लेकर के और तकरीबन 45 लाख रुपए तक की गाड़ी होगी, मतलब प्रीमियम सेगमेंट की भी। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आज की सबसे पहली गाड़ी आपको दिखाते हैं। हमारी आज की सबसे पहली गाड़ी आप लोग को टाटा की टियागो मिल जाती है, जो कि CNG कंपनी फिटेड है सर। हाँ जी। ठीक है, डिटेल क्या आ जाएगी? मॉडल इसका 2022 का है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। ठीक है, नंबर UP 32 लखनऊ 550। हाँ हाँ, 5,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है और पूरी ओरिजिनल है, अभी पूरी एक्चुअल कंडीशन है, कोई पेंट पॉलिश कहीं से कुछ भी नहीं किया गया, जो भी डेंट वगैरह देख रहे हैं, स्क्रैच देख रहे हैं, सारा कुछ ओरिजिनल होगा। ठीक है सर, बाकी कंडीशन आप लोग देख लीजिए, फ्रंट से इसका लुक देख सकते हैं, गाड़ी पूरी ओरिजिनल खड़ी हुई है, लखनऊ नंबर की गाड़ी मिल जाएगी, 5501 इसका नंबर मिल जाता है। बाकी फ्रंट से लुक देख रहे हैं आप लोग, ओरिजिनल है, कैसे आप लोग को पता लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्क्रैचेस माइनर से, तो ये भी आप लोग अभी रिमूव नहीं किए गए हैं। बाकी साइड मिरर पे इंडिकेटर मिल जाता है और इंटीरियर में आप लोग देख सकते हैं पन्नी भी अभी भी है और इंटीरियर की सफाई से भी आप लोग देख सकते हैं कोई भी चीज़ स्क्रेचेस इंटीरियर से नहीं है, इससे अंदाजा लगा लेंगे गाड़ी ओनली ऑन 5,000 किलोमीटर चली हुई है। बाकी बैक साइड से भी सीट की कंडीशन कंपनी फिटेड CNG आप लोग को मिल जाती है, बैक साइड से भी प्रोफाइल देख रहे हैं सर, इसकी डिमांड क्या जाएगी? आस्किंग प्राइस की अगर बात करो, जो इसकी डिमांड करते हैं वो 6,90,000 रुपये की डिमांड है, नई गाड़ी लमसम 8 के ऊपर की 8 के आसपास की है। ठीक है, बाकी निगोशिएबल प्राइस है, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग को सियाज मिल जाती है, जो कि आप लोग को ब्लू कलर की मिल जाएगी, UP 75 सर, नंबर कहाँ का है? नंबर इटावा का है, नंबर इटावा का आ जाता है। ठीक है, सियाज आप लोग को मिल जाएगी इटावा नंबर की, जो कि यूपी की है गाड़ी है। मॉडल की अगर बात करें, इसके 2022 मॉडल की गाड़ी है ये, ओनर फर्स्ट है। ठीक है, नंबर UP 75 है, जेटा वेरिएंट हो जाएगा। ठीक है सर, स्मार्ट हाइब्रिड इंजन है ये, पेट्रोल में, पेट्रोल तो माइलेज बहुत अच्छा देता है स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ी, जो चली हुई है लमसम 55,000 किलोमीटर चली हुई है और रिकॉर्डेड होगी पूरे सर्विस रिकॉर्ड के साथ में। ठीक है, एक्चुअल कंडीशन में गाड़ी देख रहे हैं, बंपर वगैरह सब कुछ मैंने पेंट पॉलिश किया, बाकी पूरी गाड़ी ओरिजिनल कंडीशन में होगी। ठीक है सर, 6 महीने की गारंटी के साथ में। और पेट्रोल पे सर माइलेज क्या निकालेगी? माइलेज की अगर हाईवे पे है तो करीबन 18-20 के आसपास का माइलेज निकालती है, लोकल चलाते हैं तो 16-17 के आसपास का माइलेज देती है। ठीक है, बाकी कंडीशन की बात करते हैं तो कंडीशन भी आप लोग देख लीजिए, नॉन स्क्रेच आप लोग को पूरी गाड़ी मिलेगी, बाकी बम्पर भी पास से देख लीजिए, कोई भी स्क्रेचेज इसके बम्पर पे भी नहीं मिलेगा आप लोग को। बाकी नंबर आप लोग देख लीजिए, इसका 786 नंबर मिल जाता है, बाकी बोनट आप लोग देख लीजिए, बाकी टायर की कंडीशन देख सकते हैं और अलॉय व्हील आप लोग को सिल्वर कलर के मिल जाएंगे। बाकी इंटीरियर से बात करते हैं तो इंटीरियर से भी आप लोग देख रहे हैं गाड़ी काफ़ी साफ मिल जाती है, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, यहाँ से साइड मिरर भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से सीट एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ी है, डिस्प्ले कंपनी फिटेड मिल जाता है, इसमें जितनी भी चीज़ आप लोग को मिलेगी कंपनी फिटेड मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे हैंडरेस्ट भी आप लोग को मिल जाएगा, बाकी पुश स्टार्ट आप लोग को ये गाड़ी मिल जाती है और सीट भी देख रहे हैं। बाकी बैक साइड की प्रोफाइल की बात करते हैं तो ये जो बैक साइड की लैंप है आप लोग को न्यू वाली मिल जाती है, बैक साइड से प्रोफाइल देख रहे हैं, स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ी मिल जाती है। पुश बटन आप लोग को दिखा देते हैं, पुश बटन स्टार्ट आप लोग को ये गाड़ी मिल जाती है। बाकी सर डिमांड क्या जाएगी? आस्किंग प्राइस की अगर बात करो, जो इसकी डिमांड करते हैं 8,75,000 रुपये की डिमांड पे है। ठीक है, कम हो जाएगा बिल्कुल सर, न्यू में कितने की होगी? बार्गेनिंग जरूर होगी इसमें, नई गाड़ी 11-11.5 लाख रुपए के आसपास की। ठीक है, तब भी सर 2-2.5 लाख रुपए आसानी से बचा सकते हैं, बाकी जो प्राइस बताएं नेगोशिएबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गाड़ी हमारी अर्टिगा आप लोग को 2017 मॉडल की मिल जाती है सर, DDIS VDI वेरियंट है। ठीक है, VDI वेरियंट आप लोग को मिल जाता है सर, इसकी डिटेल क्या आ जाएगी? मॉडल 2017 का है इसका, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, नंबर UP 32 लखनऊ। ठीक है, VDI वेरियंट है डीजल में, सेवन सीटर फर्स्ट ओनर गाड़ी। ठीक है सर, अर्टिगा का माइलेज क्या होगा डीजल पे? 18-20 के आसपास का माइलेज देता है, 18-20 मतलब सियाज और ये सब सेम ही माइलेज निकालेंगे। ये पेट्रोल इंजन हो गया, हाइब्रिड स्मार्ट हाइब्रिड इंजन है इसके, और इसके इंजन में फर्क हो जाएगा, ये डीजल इंजन। बिल्कुल सर, ये डीजल इंजन आ जाता है। बाकी सर अर्टिगा 7 सीटर है, 7 सीटर आप जानते हैं कि सर मेंटेनेंस थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन इसका कार वाला सेगमेंट वही मारुति बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है सर, बाकी इसकी कंडीशन आप लोग देख लीजिए, सिल्वर कलर की आप लोग को गाड़ी मिल जाती है, नंबर आप लोग देख सकते हैं लखनऊ नंबर की गाड़ी मिल जाएगी, फ्रंट से लुक देख लीजिए। बाकी टायर की बात करते हो तो टायर भी आप लोग को इसमें 70-80% मिल जाता है, साइड मिरर पे इसमें भी इंडिकेटर मिल जाएगा। बाकी VDI वेरिएंट है, VDI वेरिएंट में अलॉय व्हील नहीं आता है, बाकी स्टीयरिंग पे आप लोग को कंट्रोल्स मिल जाएगा, चारों पावर विंडो मिल जाएंगे, साइड मिरर भी यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। सीट की कंडीशन देख लीजिए, बैच कलर की सीट्स मिल जाती है, म्यूजिक सिस्टम भी कंपनी फिटेड मिल जाएगा आप लोग को।
बाकी बैक साइड से भी सीट की कंडीशन देख सकते हैं। अगर बैक साइड की प्रोफाइल की बात करते हैं तो बैक साइड से भी आप लोग प्रोफाइल देख लीजिए, बैक साइड में बम्पर मिल जाएगा, बाकी नॉन स्क्रैच आप लोग को बैक साइड से भी गाड़ी मिल जाएगी। सर इसकी डिमांड क्या रखी गई है? आस्किंग प्राइस की बात करें तो 7,90,000 रुपए की डिमांड पे है ये, बाकी निगोशिएबल प्राइस है, अर्टिगा थोड़ा सा महंगी है डीजल में इस समय। ठीक है सर, 7,90,000 एक्चुअली। हम लोग पार्किंग सेल पे भी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं अपने पास में। ठीक है, थोड़ा सा 19,20,000 ठीक है, ये भी निगोशिएबल प्राइस से कम कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गाड़ी की बात करते हैं तो नेक्स्ट गाड़ी हमारी बोलेरो आप लोग को मिल जाती है, नंबर काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, 50-50 नंबर मिल जाता है। सर डिटेल मॉडल की अगर बात करें, इसकी 2020 मॉडल की गाड़ी है ये, फर्स्ट ओनर है, नंबर UP 32 जैसे आप देख रहे हैं, लखनऊ 50-50। ठीक है, नंबर भी अच्छा होगा। सर वेरिएंट कौन सा है ये? BS6 में है, B6 ऑप्शनल वेरिएंट है इसका। ठीक है, B6 ऑप्शनल है ये। सर टॉप मॉडल है, B6 ऑप्शनल है तो फुली लोडेड हो गई, टॉप में तो फिर और ऊपर एक वेरिएंट आ जाता है, बाकी ये भी सारा कुछ हो जाएगा, एयरबैग, ABS, फुली लोडेड गाड़ी होगी। ठीक सर, मतलब आपकी बोलेरो में एयरबैग भी आने लगे? हाँ। ठीक है, पहले नहीं आते थे? पहले नहीं आते थे। ठीक है, चली कितनी होगी सर ये? चल गई ये 95,000 किलोमीटर, 95,000। 95,000? हाँ जी। ओरिजिनल 100% गारंटी के साथ में होती है, अगर ओरिजिनल नहीं होता तो फिर 95,000 नहीं, वो 52,000 दिख रही होती, 55,000 बिल्कुल कम करवा देते। तो पूरी गारंटी शुदा होती है गाड़ियाँ, मीटर तक की गारंटी होगी, नॉन एक्सीडेंटल ओरिजिनल मीटर, और 6 महीने की हमारी गारंटी भी होती है इंजन, गियर बक्सा और बैटरी की। ठीक है सर, बाकी आप लोग गाड़ी की कंडीशन देख लीजिए, बम्पर आप लोग देख सकते हैं, फॉग लैम्प भी आप लोग को इसमें मिल जाता है, लखनऊ नंबर की गाड़ी, 50-50 नंबर मिल जाता है, लाइट की कंडीशन देख रहे हैं, बोनट देख लीजिए, बाकी टायर भी आप लोग देख सकते हैं, चारों टायर इसमें नए आप लोग को मिल जाते हैं। अगर आप इंटीरियर में फंक्शंस की बात करते हैं तो पावर स्टीयरिंग आप लोग को मिल जाती है, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, सीट कवर्स देख सकते हैं नए मिल जाते हैं, महिंद्रा की जेन्युइन जो कि लगे हुए हैं, म्यूजिक सिस्टम आप लोग देख सकते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन की ये भी गाड़ी आप लोग को मिल जाती है। बाकी बैक साइड से भी सीट की कंडीशन देख लीजिए, बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड से भी आप लोग इसकी प्रोफाइल देख सकते हैं, बैक साइड में स्पॉइलर भी मिल जाएगा आप लोग को, गवर्नमेंट वर्क में चली हुई गाड़ी है आप लोग देख भी रहे हैं। बाकी इसकी डिमांड आप लोग को बता देते हैं क्या रखी गई है। सर इसकी डिमांड क्या जाएगी? आस्किंग प्राइस जो इसकी करते हैं 8,75,000 रुपए की है ये, बाकी 19-20 जो भी आपकी बार्गेनिंग। न्यू में कितने की होगी? नई गाड़ी की अगर बात करूँ लगभग 11.5 के आसपास की गाड़ी। ठीक है, इसमें भी 2-2.5 लाख बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गाड़ी आप लोग को दिखा देते हैं, नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग को वर्टस मिल जाती है वॉक्सवैगन की, जो कि सर जी अभी न्यूली ही लॉन्च भी हुई थी। बिल्कुल अभी लॉन्च हुई है, 2022 का मॉडल है। ठीक है सर, पहले तो आप लोग नंबर इसका देख लीजिए, 2229 इसका नंबर मिल जाता है, लखनऊ नंबर की गाड़ी है, जो कि VVIP नंबर भी मिल जाएगा, बाकी जिनकी गाड़ी थी वो एडवोकेट में थे। सर डिटेल क्या है इसकी? मॉडल जैसे मैंने बताया आपको, 2022 मॉडल की गाड़ी है ये, फर्स्ट ओनर है, नंबर आपका लखनऊ का हो गया। ठीक है सर, पेट्रोल वेरिएंट है, 1.0 टर्बो इंजन होगा इसका। ठीक है, चलिए गाड़ी हो जाएगी, चलिए लमसम 5,000 किलोमीटर के आसपास से। ठीक है सर, माइलेज क्या निकालेगी ये? लोकल अगर शहर की बात करें तो करीबन 15 के आसपास का माइलेज निकालती है, हाईवे पे हैं तो 17-18 के आसपास का माइलेज निकालती है, जैसे कि सर वर्ना के लगभग है। हाँ हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें पेट्रोल इंजन पे है, ये भी इंजन छोटा हो जाता है, पावरफुल इंजन होकर टर्बो के साथ में इंजन है। ठीक है सर, बाकी फंक्शंस की बात करें तो न्यू गाड़ी है, फंक्शन से फुली लोडेड होगी, फुली लोडेड होगी, हर एक चीज होगी, सलूक के साथ में हर एक फीचर होगा। ठीक है सर, बाकी सर लोग पूछेंगे कि इतनी न्यू गाड़ी बेचने का रीजन क्या होगा? देखिए रीजन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, जिनकी गाड़ी है इनको मैंने फॉर्च्यूनर दी है। अच्छा, और ठीक है, मतलब गाड़ी अपडेट किए हैं। ठीक है, एक लोग इंसान बेचता है कि सर जैसे कि दूसरी गाड़ी लेनी होती है, गाड़ी अपडेट करनी होती है तो बेच सकता है नई की नई गाड़ी। एक्चुअली कुछ काम इनके एडवोकेट साहब हैं और इनके काम कुछ ऐसे भी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं। ठीक है, तो जब इनको साइट वगैरह विजिट पे जाना होता है तो गाड़ी थोड़ा सा नीचे है। हाँ, नीचे पड़ जाती है, कार सेगमेंट की गाड़ी है, फॉर्च्यूनर वगैरह थोड़ा ऊंचे सेगमेंट में आ जाती है। बिल्कुल सर, अगर साइड वर्क रहता है तो सर ऊंची गाड़ी सही भी रहती है। बाकी कंडीशन की बात करते हैं तो इसमें कंडीशन क्या दिखानी है आप लोग देख रहे हैं, पूरी गाड़ी आप लोग को फुली मेंटेन मिल जाती है, बाकी टायर देख रहे हैं 5,000 में क्या घिसे होंगे, बाकी डायमंड कटे लेवल मिल जाते हैं सर, बाकी साइड मिरर पे इंडिकेटर मिल जाएगा, बैक साइड से भी टायर की कंडीशन देख सकते हैं और लेवल देख लीजिए, बैक साइड में इसकी लाइट आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी दिखती है, जो कि काफ़ी न्यू टाइप की भी लाइट दिख रही है, बाकी स्पॉइलर आप लोग को पीछे मिल जाएगा। अब इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर से भी देख लीजिए, गाड़ी काफ़ी शानदार आप लोग को इंटीरियर से मिल जाती है, सीट की कंडीशन देख लीजिए, बाकी फुली लोडेड है, स्टेयरिंग भी कंट्रोल्स मिल जाएगा आप लोग को, बाकी सीट भी देख रहे हैं, वेंटिलेटेड सीट इसकी मिल जाती है। सर अवेलेबल कितने में है? आस्किंग प्राइस की अगर बात करूँ जो मैं इसकी डिमांड करता हूँ वो 14,75,000 रुपये की डिमांड है। ठीक है, नई गाड़ी लमसम 17,50 के आसपास की है, 17,50। तब भी सर इसमें काफ़ी बचा सकते हैं? बिल्कुल है, 10वें महीने की गाड़ी है, 2022 की, तो भी एक साल पूरा नहीं हुआ, 10वें महीने में एक साल पूरा होगा। ठीक है सर, मतलब एक साल नहीं हुआ, 3-4 लाख बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो अभी गाड़ी 9 महीने की हुई है लगभग। ठीक है सर, नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग को किया कि सेल्टोस मिल जाती है, लखनऊ नंबर की मिल जाएगी गाड़ी। सर इसकी डिटेल क्या है? 2020 मॉडल की सेल्टोस है ये। ठीक है, और टॉप मॉडल हो जाएगी ये। हाँ हाँ, 7 DCT। ठीक है, और GTX
ऑटोमेटिक सेगमेंट है इसका, 44,000 किलोमीटर चली हुई, पेट्रोल वेरिएंट पे है, फुली लोडेड हो जाएगी। हाँ हाँ, और बाकी फुली लोडेड है तो सर आपने बोला कि टॉप मॉडल है तो सनरूफ तक मिल जाता सारा है, सारा कुछ होगा, हर फीचर मौजूद होगा इसमें। बिल्कुल सर, एक तो सर फुली लोडेड में ये भी हो जाता है और टॉप मॉडल में ये हो जाता है कि डायमंड कटे अवेलेबल आ जाते हैं। बिल्कुल, नॉर्मल में जैसे ब्लैक आते हैं या एल्यूमिनियम टाइप से आ जाते हैं, लेकिन इसमें डायमंड कटे। बिल्कुल, ओनरशिप तो सर फर्स्ट ही होगी आपका, मैक्सिमम गाड़ियां फर्स्ट ओनर रहती हैं। नहीं, सारी गाड़ियां मेरे पास में फर्स्ट ओनर होगी, सेकंड थर्ड ओनर गाड़ी हम लोग लेते नहीं है। ठीक है, अपनी बेची हुई गाड़ी अगर है तो हम लोग वापस करेंगे। ठीक है, कंडीशन आप लोग देख लीजिए, ये भी आप लोग को न्यू ही मिल जाती है, जीटी लाइन गाड़ी आप लोग को मिल जाती है। बाकी साइड से प्रोफाइल देख लीजिए, डायमंड कट लेवल मिल जाते हैं, टायर की कंडीशन देख रहे हैं। बाकी इंटीरियर देख सकते हैं, इंटीरियर में डिस्प्ले आप लोग को काफ़ी बड़ा मिल जाता है। बाकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ी मिल जाएगी, वेंटिलेटेड सीट इसमें भी मिल जाती है, हैंडरेस्ट मिल जाता है, स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाता है। जितनी भी न्यू टाइप की गाड़ी है आप लोग जान रहे हो उसमें फंक्शंस तो भर भर के दिए होते हैं। बाकी बैक साइड से भी प्रोफाइल देख लीजिए, BS6 की आप लोग को गाड़ी मिल जाती है सर। अवेलेबल कितने में है? आस्किंग प्राइस इसकी 14,75,000 रुपए की है। ठीक है, नई गाड़ी लमसम 20 लाख रुपए के आसपास की है। ठीक है सर, निगोशिएबल प्राइस है, बार्गेनिंग भी करी जा सकती है जो भी प्राइस। ठीक है सर, नेक्स्ट गाड़ी आप लोग को दिखा देते हैं। नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग को क्रेटा मिल जाती है जो कि व्हाइट कलर की मिल जाएगी न्यू शेप में। सर आपको ओल्ड शेप की कोई मांगे तो ओल्ड शेप मिल जाएगा? मिल जाएगी। ठीक है, अभी तो आप लोग को न्यू शेप की दिखा देते हैं। सर ओल्ड शेप में कौन कौन से मॉडल होंगे? ओल्ड शेप में मेरे पास अभी 2016 मॉडल में 2-3 गाड़ियाँ होंगी और फिर 2019 मॉडल में होंगी। ठीक है सर, बाकी इसकी डिटेल? इसकी डिटेल की बात करूँ 2021 मॉडल की गाड़ी है ये। हाँ, 1.5 SX वेरियंट है इसका। ठीक है, गाड़ी तो चली हुई 52,000 किलोमीटर चली हुई है, डीजल वेरियंट है। ठीक है, विद सनरूफ के साथ में। ठीक है सर, पूरी अभी एक्चुअल कंडीशन है, छोटा मोटा बम्पर वगैरह पे कुछ जो पेंट पॉलिश किया गया होगा वही होगा, बाकी पूरी ओरिजिनल कंडीशन होगी। ठीक है सर, सर क्रेटा की अगर सर्विस की बात करें तो कितने में हो जाती है? कोई खास सिस्टम नहीं होता है अभी तो, 52,000 किलोमीटर चली हुई है। ठीक है, दूसरे सर्विस का पैसा तब बढ़ता है जब कुछ सामान पड़ना शुरू हो जाता है। वैसे भी आप बोलते हैं अभी तो 4-5 साल नई गाड़ी में कुछ बोलना नहीं रहता, कुछ भी नहीं होता है। बाकी जब पार्ट बिगड़ते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, अगर मारुति से कंपेयर करें तो सेकंड नंबर हुंडई का ही आता है। हाँ बिल्कुल सर, तो हो सकता है मारुति से अगर जाए तो 1,500 रुपए ज्यादा लग जाए, इससे ज्यादा नहीं है अगर इसी सेगमेंट की गाड़ी है तो। हाँ डिपेंड ये भी करता है कि आप सर्विस में गाड़ी गई हुई है तो कितने प्राइस की गाड़ी है, उसी हिसाब से उसकी सर्विस भी होती है। बिल्कुल सर, अगर 5 लाख रुपए की गाड़ी होगी तो सर्विस भी उसकी 5 लाख रुपए के हिसाब से और मेंटेनेंस भी उसी हिसाब से आएगा, और 20 लाख रुपए की गाड़ी है बिल्कुल तो मुझे लगता है कि 10-12-15,000 रुपए सर्विस का आता होगा। बिल्कुल सर, इसी के तरीके जैसे कि एक आती है अल्कज़र। हाँ अल्कज़र भी है अपने पास में, वो भी मिल जाएगी। ठीक है, अल्कज़र भी मिल जाएगी। जी हाँ, 2022 मॉडल में अल्कज़र। ठीक है सर, 2022 मॉडल की अल्कज़र, मतलब जो कि क्रेटा जैसी सेम दिखती है लेकिन वो 7 सीटर होती है। बाकी साइड से प्रोफाइल देख रहे हैं, बाकी टायर की भी कंडीशन देख लीजिए, अवेलेबल आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है सर, टायर चेंज नहीं है। बाकी बैक साइड से आप लोग इसकी प्रोफाइल देख लीजिए, एसयूवी की बैक साइड से प्रोफाइल आ जाती है। अगर साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो साइड से भी आप लोग को कोई भी स्क्रैचेस इसमें नहीं मिलेगा, चारों टायर इसमें कंपनी के साथ के मिल जाते हैं। बाकी इसकी डिमांड बता देते हैं सर, इसकी डिमांड क्या है? आस्किंग प्राइस की अगर बात करूँ तो डिमांड जो इसकी करते हैं 15,90,000 रुपये की डिमांड पे है ये। ठीक है, और नई गाड़ी लगभग 20-21 के आसपास की है, टॉप मॉडल इसका करीबन 22 के आसपास का आता है। ठीक है, बाकी ये नेगोशिएबल प्राइस है, नेगोशिएबल प्राइस है, बार्गेनिंग भी करी जा सकती है जो भी प्राइस। ठीक है सर, नेक्स्ट गाड़ी हमारी सर ऑडी जो कि सेडान मिल जाती है आप लोग को, लखनऊ नंबर की मिल जाएगी, 2014 मॉडल। ठीक है सर, डिटेल 2014 मॉडल की A4 है ये। हाँ, 65,000 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, नंबर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है, कंडीशन आप देख ही रहे हो सर। ऑडी का इसका माइलेज क्या निकालेगी? माइलेज की अगर बात करें तो ये इंजन थोड़ा सा 2.0 लीटर मतलब 2000 cc का इंजन हो गया। लोकल की अगर बात करें शहर में तो 14-13 14-13 14। ठीक है सर, मतलब सफारी जितना लगभग, सफारी का तो और कम होता है। अच्छा माइलेज निकाल देती है सफारी के इंजन की बात करें तो 2.2 लीटर का हो जाता है वो, 2200 cc का इंजन, ये 2000 cc का। और सफारी थोड़ा बॉडी लाइन से भारी भी हो जाती है। हाँ हाँ, बाकी ये ऑटोमेटिक सेगमेंट है तो 19-20 का फर्क रहता है, फिर भी मान के चलिए कि 14-15 का माइलेज। ठीक है, कंडीशन की बात करते हैं तो सर कंडीशन भी आप लोग देख लीजिए। सर इसके कितने पीस पेंट होंगे? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ डेंट वगैरह जरूर है उधर थोड़ा सा। ठीक है, तो छोटा मोटा करूंगा। ओके, बाकी कंडीशन आप लोग देख लीजिए। सर वेरियंट ये कौन सा होगा? A4 वेरियंट है। A4 कंडीशन आप लोग इसकी देख लीजिए, ऐसी इसकी कंडीशन आ जाती है। बाकी बैक साइड से भी आप लोग इसकी प्रोफाइल देख लीजिए, बैक साइड से भी प्रोफाइल देख सकते हैं। बाकी सर अगर कहूँ तो एस लाइन हो जाता है, एस लाइन वेरिएंट है। सर इसकी डिमांड क्या आ जाएगी? आस्किंग प्राइस इसकी 14,75,000 रुपए की करते हैं। ठीक है, 65 चली होगी ओरिजिनल चली होगी, बाकी नॉन एक्सीडेंटल। ठीक है सर, 65 ओरिजिनल चली हुई है, 14,00,000 75,000 कम कर लिया जाएगा, थोड़ा बहुत बिल्कुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट गाड़ी हमारी आप लोग को XUV मिल जाती है जो कि XUV 500 मिल जाएगी। सर W10? जी हाँ, W10 वेरिएंट मिल जाता है व्हाइट कलर का। और हमारी ये लास्ट गाड़ी भी है सर, पहले डिटेल बता दीजिए। मॉडल इसका 2017 का है।
सर प्रतापगढ़ नंबर की गाड़ी है, 72 नंबर है, प्रतापगढ़ का नंबर है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 95,000 चल गई है, जो कि अनरिकॉर्डेड होगी, फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में, W10 वेरिएंट है विद सनरूफ, ठीक है, 6 एयरबैग के साथ में, ठीक है, बटन स्टार्ट, फुली लोडेड गाड़ी होगी, बहुत सारे फीचर हैं इसमें, बिल्कुल सर, स्कॉर्पियो से ज्यादा फंक्शंस आते हैं, बहुत सारे फीचर होते हैं, बहुत सारे फीचर तो ऐसे होते हैं जो यूज ही नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे बड़े रहते हैं, बिल्कुल सर। बाकी कंडीशन आप लोग देख लीजिए, बम्पर देख सकते हैं, UP 72, यानी आप लोग को प्रतापगढ़ नंबर की गाड़ी मिल जाएगी, नंबर इसका काफी अच्छा है, फिर काफी अच्छा नंबर मिल जाता है, 4x9, बिल्कुल बिल्कुल सही। बाकी बोनट देख लीजिए, टायर की भी कंडीशन देख सकते हैं, चारों टायर तो सर आपने नए डलवा दिए, नए टायर पड़े हुए हैं, पेंट पॉलिश भी कराया मैंने इसको, ठीक है, अलॉय व्हील आप लोग देख सकते हैं, बाकी बैक साइड से भी टायर की कंडीशन देख लीजिए, और ऐसी इसकी बैक साइड से प्रोफाइल आ जाएगी, W10 वेरिएंट मिल जाता है, ठीक है सर। इसकी डिमांड क्या जाएगी सर, आस्किंग प्राइस की बात करो, जो हम इसकी डिमांड करते हैं 10,50,000 रुपए की डिमांड पे है, नेगोशिएबल, ठीक है सर, 10,50,000 नेगोशिएबल प्राइस होगा। तो हमारी वीडियो का लास्ट गाड़ी, तो वीडियो का एंड करने से पहले आप लोग को फाइनेंस के बारे में बता देते हैं सर, एक बार पूरे डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए। फाइनेंस में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं तो 2 साल का ITR विद कंपटीशन फॉर्म के साथ में, सर्विस कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट में, खेती किसानी कर रहे हैं तो खेतौनी, और तीनों चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो बैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, घर मकान अपना है, बैंक आज की डेट में सिबिल स्कोर चेक करता है, तो सारी चीज़ें अगर ये बढ़िया हैं, फटाफट फाइनेंस हो जाता है, 60% से लेकर के 90% तक फाइनेंस हो जाता है, डिपेंड करता है प्रोफाइल पे आपके, ठीक है, 2 से 3 दिन का समय लगता है, और कुछ बैंकें ऐसी भी हैं जो 4 घंटे में भी फाइनेंस कर देती है, ये भी आपके प्रोफाइल पे ही डिपेंड करता है, प्रोफाइल जितनी अच्छी होगी, जी हाँ, जितना अच्छा प्रोफाइल होगा उसी हिसाब से फाइनेंस का समय और सारा कुछ पता चला जाएगा, ठीक है सर। ऊपर UP है अपने पास में और लगभग सभी बैंकें हैं, तो फटाफट फाइनेंस हो जाता है, ठीक है, मतलब हर बैंकों से फाइनेंस करवा देंगे आप, बिल्कुल प्राइवेट बैंकों, मतलब आप अपनी ओर से कोशिश करेंगे कि फाइनेंस हो ही जाए गाड़ी, अगर कोई करवाना चाहता है, 100% कोशिश रहती है, अगर फाइनेंस कराएंगे तभी हम आपको गाड़ी दे पा रहे हैं, अगर आप फाइनेंस कराना चाहते तो, ठीक है, आदमी का बजट कम होता है तभी आदमी फाइनेंस कराता है, बिल्कुल सर, डाउन पेमेंट लीजिए, बाकी शौक भी पूरी हो जाए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। डाउन पेमेंट आपका कितना देना पड़ेगा, 25-30% डाउन पेमेंट होती है, वैसे फाइनेंस की अगर बात करूँ तो 60% से लेकर के 90% तक फाइनेंस हो जाता है, ठीक है, ये भी सारा कुछ प्रोफाइल पे ही डिपेंड करता है, अगर बढ़िया प्रोफाइल है तो 90% पे फाइनेंस हो जाएगा, ठीक है सर। तो सारी डिटेल आपको दे चुके हैं, तो सर एक बार आप डिटेल दे दीजिए शोरूम की फिर से। शोरूम मेरा बेस्ट डील फोर व्हील्स के नाम से है, A13 निराला नगर, अपोजिट ICICI बैंक, नियर रामकृष्ण मठ, लखनऊ, ठीक है। मेरा नाम सुबोध तिवारी है, मेरा मोबाइल नंबर है 9335-346-113, 93-35-34-61-13। कार खरीदने बेचने के लिए अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोशिश करिए आप मुझे ऑफिशियल टाइम पे ही कॉल करें, ठीक है, और जो भी जानकारी चाहिए सर, टाइमिंग क्या आ जाएगी, 10:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक फोन कर सकते हैं, स्पेशली अगर मेरे शोरूम का क्या स्टॉक है इसको जानना चाहते हैं तो एक मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है, सुबोध तिवारी ऑफिशियल के नाम से, ठीक है, तो आप उसे विजिट कर सकते हैं और टोटल स्टॉक मेरा ही दिखेगा उसमें, ठीक है सर। उसमें आपके वहाँ सिंगल गाड़ियों की भी वीडियो रहती है, पूरे कलेक्शन की भी रहती है, सभी तरह की गाड़ियाँ, ठीक है, आप लोग तो इसमें लिंक भी डाल सकते हैं, ठीक है, लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा सर के चैनल का, बाकी यहाँ पे आप लोग को सभी तरीके की गाड़ियाँ मिल जाती है, लो बजट से लेकर हाई बजट तक, सर के चैनल पे भी आप लोग को सभी तरीके की गाड़ियाँ दिख जाएंगी, जो भी नया स्टॉक आता जाता है दिखाते जाते हैं, ठीक है, तो सारी डिटेल आपको दे चुके हैं, थैंक यू सो मच सर, बाय। ओके गाइस, अगर आप लोगों से क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी किसी गाड़ी की डिटेल चाहिए या फाइनेंस की डिटेल चाहिए तो अभी आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि भैया कितने डाउन पेमेंट देना है या कितना डाउन पेमेंट देकर आप लोग गाड़ी ले जा सकते हैं, फाइनेंस कितने परसेंट हो जाएगा, मैं सभी के कमेंट के जवाब देता हूँ। बाकी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, बाकी अगर अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे अच्छा अच्छा कलेक्शन लाते रहते हैं, चाहे प्रियंट कार्स का, चाहे प्रियंट बाइक्स का और चाहे प्रियंट का मतलब व्हीकल का, तो वीडियो को एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।